है ना। एग्जाम्पल नंबर 7, करा है ये वाला। एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें हम लोगों को शीर्ष के निर्देशांक दिए हुए हैं, शीर्ष के निर्देशांक दिए हुए 0, ±3 और 13, 0, ±13, और हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं नाभियों के। जो नाभियां हैं वो क्या दी हुई है, वो दी हुई है 0, ±5। तो शीर्ष जहां पे हम लोगों को शीर्ष का वैल्यू बड़ा मिलेगा किससे, नाभि से, वहां पे भी जो दीर्घवृत्त होगा वो किस अक्ष में माना जाएगा, बाह्य अक्ष में। ठीक है, क्योंकि शीर्ष का मतलब तो उनके लास्ट एंडिंग पॉइंट ही होते हैं, है ना। तो उस कंडीशन पे दिख रहा है कि वो जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो किस अक्ष में दिए हुए, सिर्फ अगर बाह्य अक्ष में दिए हुए हैं इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि जो दीर्घवृत्त है वो किस अक्ष वाला है, बाह्य अक्ष वाला है ना। बड़े छोटे से वैसे भी मतलब नहीं है, क्योंकि वैल्यू ही हमको बाह्य अक्ष के दिए हुए हैं। तो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, दीर्घवृत्त का समीकरण x² / a² y² / b² दोनों के लिए सेम ही होता है, चाहे एक्स अक्ष में हो चाहे वाई अक्ष में हो। बस यहां हमें दिखाना होता है ए का मान लेस देन है किससे, बी से। तो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि किस अक्ष में पहुंच गया, ये वाई अक्ष में पहुंच गया। ठीक है, शीर्ष जो हमें दिए हुए हैं दीर्घवृत्त के, शीर्ष दीर्घवृत्त के शीर्ष एक्चुअल में जो होते हैं वो होते हैं 0, ±b, जो कि हमें दिए हुए हैं कितना, 0, ±13। ठीक है, तो b का मान हमें दिख गया यहाँ पे कितना है, हाँ मतलब ±b बराबर ±13, और b का स्क्वायर लगा के लिखना है तो चलो b ±13, तो यहाँ पे भी ±13। अभी हमें दिया हुआ है दीर्घवृत्त की नाभि, नाभियां एक्चुअल में क्या होती है, तो नाभियां एक्चुअल में होती हैं 0, ±be, 0, ±b(e), जो कि दी हुई है 0, ±, कितना, 5। तो हम बोल सकते हैं कि हमें ±be का वैल्यू दिया हुआ है ±5। ठीक है, बी का मान हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना दिया हुआ है 13, तो हम पॉजिटिव वाला ले रहे हैं। तो बी का मान अगर 13 रखें तो ई का मान कितना आ जाएगा, 5/, करो इसको जल्दी से, वो एक्स अक्ष के लिए बताया है ना। नियता हम लोग जब निकालना होता है किसी दीर्घवृत्त, दिए हुए दीर्घवृत्त के समीकरण से अगर नियता निकालना है तो हम लोग समीकरण क्या लिखते हैं, हम लोग समीकरण लिखते हैं b² = a² और 1 - e² ये जब लगाते हैं, जब हमें a का मान बड़ा मिलता है किससे, b से। अभी फिलहाल a का मान छोटा है किससे, b से। तो ये मिलता है a² = b² 1 - e² तो फिलहाल हमारा a का मान छोटा है, b का मान बड़ा है, तो हम ये सेकेंड वाला यूज करेंगे। ठीक है, बाकी सब मिटा देता हूँ। हमें दीर्घवृत्त के समीकरण के लिए चाहिए क्या क्या होता है, a का मान और b का मान। b का मान हमें क्लियर दिख रहा था, क्वेश्चन में गिवन था, बट a का मान दिखा क्या, नहीं दिखा। तो a के मान के लिए यहाँ पे आ जाओ, तो a² = होगा b² मतलब 13 का स्क्वायर। अब नेगेटिव लोगे तो भी वो पॉजिटिव ही आ जाएगा, और 1 - e² मतलब 5/13 का होल स्क्वायर। (169) में से 25 को माइनस करेंगे, शायद 144 ही आता होगा, और 169 से ये वाला 169 क्या हो जाएगा, कैंसिल। एक स्क्वायर का मान आ रहा है 144, तो ए का मान आ जाएगा कितना, ±12।
तो आप देखो दोनों चीजें मिल गई, बी का मान जब +13 होगा तो ए का मान +12 होगा, और जब अच्छा लिख देते, ए का मान अगर 12 है तो बी का मान 13 लेके चलेंगे, और ए का मान अगर -12 है तो बी का कितना लेके चलेंगे, -13। बट ये वाला कोई जरूरत नहीं है क्योंकि व्रत का समीकरण में दोनों, ओ दीर्घवृत्त के समीकरण में सारा के सारे क्या आते हैं, पॉजिटिव आते हैं ना, नीचे स्क्वायर आता है, तो ये 144 आएगा और 22 स्क्वायर के बटे में ये 169 आएगा, तो दोनों ही केस में समीकरण सेम ही आने वाला है, इसलिए जरूरत नहीं है माइनस लेने की। -5 एनसीईआरटी की, तू फिजिक्स की लेके आता है, फिजिक्स की बुक लेके आया ना, तो अभी मैं क्वेश्चन देता हूँ, एनसीईआरटी की रख लिया आया करो, इसके बाद तो घर ही जाते हो ना यहाँ से, वो क्वेश्चन ये मिल जाया करेंगे तुमको। तो देखो दीर्घवृत्त की दीर्घ अक्ष की लंबाई है ना, दीर्घ अक्ष की लंबाई दे रखी है, जो जो चीजें गिवन है पहले उनको लिख लिया करो, उसके बाद दीर्घवृत्त का समीकरण लिखा करो। तो एग्जाम्पल नंबर है 8, दीर्घ अक्ष की लंबाई ये दी हुई है 26, ठीक, उसके बाद नाभिया दी हुई है, तो नाभिया क्या दी हुई है, वो दी हुई है +- के साथ 5.0। अभी जस्ट हमने पहले इसके पहले नाभिया लिखी थी तो वो y अक्ष में थी, ये x अक्ष में है, इसका मतलब कंफर्म हो रहा है दीर्घवृत्त के अक्ष के लिए है, x अक्ष के लिए, हालांकि हमें वो बताना भी नहीं होता, ये पूछते भी नहीं है तो हमें बताना भी नहीं है, हम लोग डायरेक्ट चलेंगे दीर्घवृत्त के समीकरण पे, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, x² / a² / y² / b² बराबर कितना, 1। हमें सबसे पहले दी हुई है नाभिया, तो दीर्घवृत्त की नाभिया क्या होगी इसके लिए, x अक्ष के लिए +- ae, 0, तो वो हमें दी हुई है +- कितना, 5.0। इसके बाद हमें बताना है कि नाभिलंब की लंबाई क्या होती है, ठीक है, तो हमें फिलहाल यहां से ए का मान, नाभिलंब की लंबाई क्या होती है, या दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a, जो कि बराबर हो जाएगी 26 के, a बराबर कितना आ गया 13, ए बराबर 13 आ गया, इसमें ए ई को बराबर करेंगे 5 के, ए ई बराबर है 5 के, ए का मान आ गया 13, तो 5/5 कितना हो गया ई का मान 13। ये वाला जो दीर्घवृत्त है इसमें हमने ये क्लियर हो रहा है ए का मान क्या है, क्योंकि मान ही उसके दिए हुए हैं ना, तो हम इसमें समीकरण वापस से कौन सा वाला यूज करेंगे जो अभी यूज किया था, b² = a² (1 - e² तो b² = a² (1 - e² b² का मान तो निकालना है, a² का दिया हुआ है कितना 13 का 169, और वापस से 1 में से माइनस करेंगे 25/169, तो वही कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, b का मान आ जाएगा +-12। समीकरण निकाल देना इसका जल्दी से करो, अभी फिलहाल तो कुछ टफ नहीं। एग्जाम्पल नंबर 30 में जो जो चीजें देखो, उत्केंद्रता किसको बोलते हैं, उत्केंद्रता हम लोग किसको बोलते हैं, ई को बोलते हैं, अगर लड़का दौड़ रहा है तो एक्स अक्ष में दौड़ेगा, तो दीर्घ अक्ष उसकी क्या हो जाएगी, एक्स अक्ष हो जाएगी, जो कि हम किसके बराबर करते हैं 2a के बराबर, लघु अक्ष क्या हो जाएगी 2b हो जाएगी, ठीक है, लघु अक्ष हो गई, दीर्घ अक्ष हो गई, बाकी के सब चित्र सब चीजें चित्र में दिखी हुई है ना। अब बिंदु जो P है उसका डिस्टेंस P से लेकर S और प्लस करेंगे P से लेकर S' बराबर दिया है कितना 10 है ना, उसके अलावा ये जो PS है और ये PS' है, P से लेकर S, एक बार अगर पॉइंट मान लो P यहाँ पे है, दूसरी बार यहाँ पे है, तो P से लेकर S और P से लेकर S' इनका योग किसके बराबर है 10 के बराबर। अगर P से लेकर S ले लें और P से लेकर S' अगर चाहिए तो इस पॉइंट एक कहीं पर भी एक समय में एक ही जगह पे लेना पड़ेगा है ना,
तो अपन पी से लेकर एस जो है, पी से लेकर एस यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, और पी से लेकर एस डैश जो है वो कहाँ से कहाँ तक का होगा, पी से लेकर एस डैश यहाँ तक का होगा। तो क्या तुम एक चीज देखो कि पी से लेकर एस जो है वही पी से लेकर एस डैश भी होगा, क्योंकि दूरियां तो ऐसे दीर्घवृत्त जब बनाते हैं तो हम भी उसमें दो पॉइंट ही लेते हैं, एक एस और एक एस डैश, ये दोनों दूरियां क्या होती है, बराबर होती है, इससे इन दोनों की दूरियां क्या होती हैं, या हम बोलते हैं कि पॉइंट एस एक ऐसा बिंदु है जिसमें इस दीर्घवृत्त में कहीं पर भी घूमो उसकी दूरी हमेशा बराबर रहेगी जो एस डैश से रहेगी। तो इसलिए जितना दूरी यहाँ पे बचेगा उतना ही दूरी यहाँ पे बचेगा। तो पी से लेकर एस और पी से लेकर आपने ले लिया एस डैश, तो क्या उसमें ये वाली दूरी इंक्लूड नहीं हुई क्या, हो गई ना, इसलिए हो गई, आपने पहले ले लिया पी से एस तो एक बार ये दूरी ले ली, और फिर आपने ले लिया पी से लेके एस डैश तो उसमें भी ये दूरी वापस से काउंट हो गई, जो कि किसके लिए मानी जाएगी, इसके लिए। तो ओवरऑल जो ये पी एस है और पी एस डैश है ना, ये किसके बराबर हो गया, दीर्घ अक्ष के बराबर हो गया जो कि एक्स अक्ष में है, इसलिए ए का मान कितना आ गया, 5 आ गया। देखो क्वेश्चन में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, जिस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है मैं उस तरीके से बताता चल रहा हूँ। एस से लेकर एस डैश, एस से लेकर क्या एस डैश, ये बराबर होता है ए ई, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे दी, 8। ई का मान कितना, 8/5। अब हम लोगों को निकालना है बी का मान, है ना, ई का मान कितना आ गया, 2 मिनट को कुछ गड़बड़ कर दिया, ए का मान कितना है 5, ई का मान ये अच्छा ये 2ae के बराबर होगा, है ना, क्योंकि सेंटर से इस एस के कोऑर्डिनेट जो माने जाते हैं वो ae, 0 और इस वाले के कोऑर्डिनेट माने जाते हैं -ae, तो ओवरऑल हमें तो दूरियां चाहिए ना, तो यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी, टोटल ae और ये ae कितना हो गया 2ae, जो कि बराबर है कितने के, 8 के, इसलिए ये बराबर होगा 4/5 के। ए का मान आ गया, ई का मान आ गया, हालांकि दीर्घवृत्त के समीकरण के लिए ई की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब हमें पता चल गया कि ये जो दीर्घवृत्त है ये ए ग्रेटर देन बी के लिए है, तो फिर हम इसकी उत्केंद्रा वाला फॉर्मूला लगा के बी का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो बी स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर 1 - e² के लिए, ये कंडीशन कौन सी है, जब ए बड़ा है किससे, बी से, तो बी स्क्वायर का मान निकालना है, ए स्क्वायर का कितना आ गया 25, 1 - e² का 16/25, तो ये 9/25 आएगा, कंफर्म बी का मान कितना हो गया, +-3। ए का मान हो गया 5, बी का मान हो गया कितना, 3। दीर्घवृत्त का समीकरण नहीं पूछा, दीर्घवृत्त का समीकरण नहीं पूछा, हमसे पूछा है दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, तो अभीष्ट क्षेत्रफल जो होगा वो बराबर होगा दीर्घवृत्त का, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है πa×b। पाई को एज अ पाई ही रहने दो, सिर्फ किसका मान लिख लो, ए का और बी का, कितना आ जाएगा 15 πa² ठीक है, बस इतना करना था। है क्वेश्चन ये वाला, एनसी बुक में नहीं होगा, इसमें तो है, एनसीईआरटी बुक में नहीं होगा, दूसरी एक्सरसाइज में 7 नंबर, इसके आगे वाली एक्सरसाइज, अरे आगे तो कोई एक्सरसाइज ही नहीं है, इसके बाद तो सीधा आती पर वाले आ गया, कोई नहीं तुम तो एनसीईआरटी से करो, अक्षी पर वाले इसके बाद हो गया सभी का। नीचे वाला चित्र तो नहीं बनाना, ऊपर वाला ही बना लो, ae, 0 ये होता है, ae, 0 ये होता है। मिटा दो अभी, जो सेकंड इसके बाद वाला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 31। 15 सेंटीमीटर की एक छड़ ए बी दोनों निर्देशांक के बीच इस प्रकार रखी है, दोनों निर्देशांक का मतलब हो गया एक एक्स अक्ष का निर्देशांक, एक हो गया वाई अक्ष का निर्देशांक, इन दोनों पे इस प्रकार रखी है, तो सीढ़ी है तो इसको बाहर तो निकालेंगे नहीं, यहाँ से जमीन पे और यहाँ से दीवार पे टिका दी, ए और बी है ये, तो ये ए और ये बी, ये ओरिजिन वाला पॉइंट, इसलिए इसको नाम दे देते हैं 0, ठीक है। ये इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ ए बी दोनों निर्देशांक के बीच इस प्रकार रखी है कि उसका एक सिरा ए एक्स अक्ष पर, दूसरा सिरा बी वाई अक्ष पर रखा है, ठीक, यहाँ तक कंप्लीट हो गया।
छड़ पर एक बिंदु P इस प्रकार है कि AP बराबर 6 है। अगर AP का मान 6 है तो बाद वाला 9 आएगा, तो इसलिए AP वाले को क्या बनाएंगे, छोटा। AB पर एक बिंदु P ऐसा है कि AP के बीच की दूरी कितनी है, 6। तो फिर ये कितनी हो जाएगी, क्योंकि छड़ की टोटल लंबाई कितनी, 15। और 15 में से अगर ये 6 है तो वो कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अगर यहाँ एंगल थीटा बनेगा तो इस पॉइंट P के लिए यहाँ एंगल कितना बनेगा, है ना, क्योंकि दोनों एकांतर में है, है ना। तो ये 90, तो ये भी कितना, 90, उस साइड भी 90, है ना। और उसके अलावा हम लोगों को इसमें क्या बनाना है, थीटा हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, बाकी सब चीज़ें हो गई, ठीक। तो ये जो छड़ है वो एक्स अक्ष के, एक्स माना माना छड़ एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है। तो एक्स अक्ष से अगर थीटा कोण बनाती है तो एंगल बी ए ओ बराबर हो जाएगा किसके, थीटा के। और ए बी का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, 15। एपी का मान कितना हो गया ऑटोमेटिक, ये दिया था 6, तो पी से लेकर बी का मान कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिभुज पी एन ए में, त्रिभुज पी एन ए में, ये वाले पॉइंट का नाम है एन। तो त्रिभुज पी एन ए में, पी एन ए में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा का मान, है ना, पी एन ए में साइन थीटा का मान बराबर हो जाएगा किसके, साइन थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब भुजा होगी। तो ये होता है लंब बटे कर्ण, पी से लेकर एन, और कर्ण क्या हो जाएगा, पी से ए से लेकर पी, पी से एन का मान, पी से एन का मान नहीं है हमारे पास, और ए से पी का मान 6, ठीक है। पी से एन का कुछ मान तो नहीं है, बाय, उसको मान लिया बाय के बराबर है, है ना, पी से एन, हाँ बाय के ही बराबर होगा, वैसे भी पी से लेकर एन यही है ना, बाय अक्ष का ये वाला मान, तो पी से लेकर एन किसका मान लिया, दीर्घ, देखो ये क्वेश्चन में दिया कुछ और है, पूछा कुछ है, अब इसमें दीर्घवृत्त का समीकरण पूछ लिया, निकालने का मेथड अभी समझ आ जाएगा कि साइन में ये बाय क्यों माना और कॉस में हम इसको एक्स क्यों मानेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है बनके, और साइन और कॉस के मान निकाल के अगर वहां रख देंगे तो ऑटोमेटिक वो किसका समीकरण बन जाएगा, दीर्घवृत्त का। तो इसके बाद तुम ले लो त्रिभुज कौन सा वाला, ये तो ले लिया अपन ने पी ए एन वाला, इसके बाद ले लो पी बी एम वाला, पी बी एम, पी बी एम में देखो पी उसके बाद बी उसके बाद ये एम, पी बी एम वाला दे लो, एक बार छोटा वाला ले लो, एक बार बड़ा वाला त्रिभुज ले लो। इस पी बी एम में कॉस थीटा, अब कॉस ही क्यों लिया, साइन क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम लोगों को साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर करना है, बन के,